हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मस्ट के बारे में। मस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके पहले भी आपको मॉडल वर्ब्स के जो वीडियोज हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। इसके पहले भी हम आपको वीडियो दे चुके हैं, कैन, कुड, कुड हैव, शुड एंड शुड हैव, और आज हम मस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मस्ट बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो मस्ट का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, पहले इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं। कोई काम करना बहुत जरूरी है या कोई काम करना ही चाहिए, इस अर्थ में मस्ट का प्रयोग करते हैं। कोई काम करना बहुत जरूरी है यानी करना ही करना है, या कोई काम करना ही चाहिए, इस अर्थ में मस्ट का प्रयोग करते हैं। और मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कोई काम करना ही चाहिए, इस अर्थ में। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए, यानी कोई काम करना ही चाहिए, करना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है, ये जरूरी ही जरूरी है। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, पालन करने के लिए फॉलो इस्तेमाल करते हैं, ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक रूल्स। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए, यानी करना ही करना है, ये बहुत जरूरी है। अगला सेंटेंस है, हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, बिना टिकट लेकर हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, टिकट लेकर करनी चाहिए, यानी वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट, वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट, हमें टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए। इसके पहले आपने जो शुड मॉडल पढ़ा है, जहां पर हमने पढ़ा है कि शुड का इस्तेमाल कोई काम करना चाहिए, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मस्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कोई काम करना ही चाहिए यानी करना बहुत जरूरी है। शुड का इस्तेमाल कोई काम करना चाहिए, जरूरी नहीं है, आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो मत करिए, लेकिन मस्ट में तो आपको जरूर करना होगा, बिना टिकट के यात्रा नहीं करना है आपको, ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही करना है, यानी हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट, हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए। सॉरी, मुझे अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, करना चाहिए यानी ये बहुत जरूरी है। आप घर पे बैठे हो इतने दिनों से, कुछ नहीं कर रहे हो, तो अब हम उसे अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। He must do something now. He must do, बहुत जरूरी है, करना ही करना है, वो फ्री है, He must do something now. उसे अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें वहां 7 के पहले पहुंच जाना चाहिए, यानी तुम्हें वहां 7 बजे के पहले पहुंच जाना चाहिए, यानी 7 बजे के पहले पहुंचना बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी है, 7 बजे के पहले पहुंचना। यू मस्ट रीच देयर बिफोर 7, यू मस्ट रीच देयर, तुम्हें वहां पहुंच जाना चाहिए बिफोर 7, 7 बजे के पहले। और अगर यहाँ पे आप ये बोलते हैं कि तुम उसे वहां पहुंच जाना चाहिए, ही शुड रीच देयर, लेकिन अगर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है तो हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जरूरी नहीं है तो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अंतर होता है दोनों में, मस्ट और शुड में। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जरूरी है, कंपलसरी है, जरूर करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स, सर्व मीन सेवा करना, और पेरेंट्स हमारे अपने माता पिता की, वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, ठीक है, लेकिन तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। ये अंतर आप समझ पा रहे होंगे, शुड में और मस्ट में क्या अंतर होता है। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, तो अगर आपको बोलना है तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, लेकिन अगर सुझाव दिया जा रहा है, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यहां पे सुझाव दिया जा रहा है, अमल आपको करना है, करना है तो कर सकते हैं, नहीं सीखना चाहते तो मत करिए, लेकिन यू मस्ट लर्न इंग्लिश यानी यहां पे आपको बताया जा रहा है तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे किसी भी हालत में वहां जाना चाहिए, किसी भी हालत में, ही मस्ट गो देयर एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी हालत में, ही मस्ट गो देयर एट एनी कॉस्ट, जाना ही जाना चाहिए, बहुत जरूरी है जाना। अगला सेंटेंस है, हमें उससे जरूर बात करनी चाहिए,
मुझे हमें उससे बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक टू हिम, लेकिन हमें उससे जरूर बात करनी चाहिए, यानी मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, वी मस्ट टॉक टू हिम, हमें उससे जरूर बात करनी चाहिए। इस तरीके से आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और मस्ट जो मॉडल है इसके स्ट्रक्चर्स आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो केवल नॉलेज बेस्ड वीडियो है, ये वीडियो से आपको तरीका समझ में आ रहा है, लेकिन इन सेंटेंसेस को अगर आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आप को घर पे प्रैक्टिस करने का माहौल नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। ये कोर्स हमारा आपको व्हाट्सएप पे कराया जाता है, ये हमारा नंबर है 9473830753। इस पे आप हाई लिख करके आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो या फोन करके आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। और यहाँ पर ये बहुत सारी एक्टिविटीज इस कोर्स में आपको कराई जाती हैं और आप पूरी तरीके से अपनी इंग्लिश को बदल के रख देते हैं, ठीक है। इसमें कोई सुझाव होता है, कोई सजेशन होता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे बताइए, और दो तीन सेंटेंस अगर पॉसिबल है तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर नीचे लिखिए कि नए नए सेंटेंसेस आप बना के ज़रूर नीचे आप कमेंट करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लगातार सीखते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए।